मूवी का स्टार्ट एक मूवी हॉल को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर काम करने वाले तीन फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि काफी रात हो गई है, अब हमें मूवी स्टार्ट करनी होगी। उन फ्रेंड्स में एक लड़की का नाम ब्रिजेट होता है। तभी बाइक पर बैठकर वहाँ एक कपल आता है और वो काउंटर पर जाते हैं टिकट्स लेने के लिए, और तभी वहाँ पर ब्रिजेट का छोटा भाई टीमी में टिकट्स लेने के लिए आ जाता है, यानी वो भी यहाँ पर मूवी देखने ही आया था। लेकिन ब्रिजेट का फ्रेंड उसे ये कहकर मना कर देता है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को आधी रात में मूवी ना अलाउड नहीं है। तभी वहाँ पर उस बच्चे टीमी की सिस्टर यानी ब्रिजेट भी आ जाती है और वो उसे घर वापस जाने के लिए बोलती है, और तभी वहाँ पर ब्रिजेट का बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम जोश होता है, जो ब्रिजेट को उसके साथ मूवी देखने के लिए काफी इंसिस्ट करता है। इसीलिए वो दोनों जाकर हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और तभी उन लोगों के साथ जोश के फ्रेंड्स भी आकर बैठ जाते हैं। वहीं पर हमें एक डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है जो कि एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए वहाँ पर आया था, और जिस सीरियल किलर को वो वहाँ पर ढूंढने आया था उसका नाम रेड था। इतने की देर में हॉल में जोश का एक और फ्रेंड भी आ जाता है। जोश की फीमेल फ्रेंड कहती है कि जो मूवी आज हम देखने जा रहे हैं वो आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है, और जब इस मूवी को बनाया गया था तब सच में लोगों के मर्डर्स हुए थे। ये लोग उसी सीरियल किलर रेड की बात कर रहे थे जिसे डिटेक्टिव यहाँ पर ढूंढने आया था। डिटेक्टिव भी काउंटर पर जाकर मूवी की टिकट ले लेता है, साथ साथ वो एक आदमी की पिक्चर दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। इसके बाद ब्रिजेट का फ्रेंड मूवी प्ले कर देता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन सडन उनका टायर पंक्चर हो जाता है। तब उन फ्रेंड्स में एक लड़का हेल्प मांगने के लिए करीबी घर में जाता है, जहां पर एक लेडी उस लड़के के लिए दरवाजा खोलती है, और हॉल में डिटेक्टिव के पास एक और डिटेक्टिव आकर बैठ जाता है। मूवी में हम एक अजीब से आदमी को देख पाते हैं जिसने हाथ में एक औजार लिया हुआ था और वो उसकी धार को तेज कर रहा था। दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब से सीरियल किलर रेड गायब हुआ है ये उसकी पहली फिल्म है। मूवी में जो अजीब सा आदमी था उसने मास्क पहन रखा था, जो उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है और अपने साथ ले जाता है। काउंटर पर हम देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो गई है, इसीलिए ब्रिजेट का फ्रेंड ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। उस मूवी को देखकर ब्रिजेट डर जाती है, इसीलिए वो मूवी को बीच में अधूरा छोड़कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जोश उसे रिलैक्स करता है और अंदर चलने के लिए बोलता है। तब मूवी में अचानक से ब्रिजेट का वही फ्रेंड नजर आता है जो कि ड्रिंक लेने गया था। हॉल में जो लोग मूवी देख रहे थे वो ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी ब्रिजेट के उस फ्रेंड को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और फिर जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है उसके सामने वो सीरियल किलर रेड आ जाता है और अपने उस औजार की मदद से उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। लेकिन हॉल में बैठे लोग इस पर ज्यादा हैरान नहीं होते क्योंकि वो तो इसी मूवी का एक पार्ट ही समझ रहे थे, इसीलिए वो मूवी को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जोश का फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है, और सेम यही सीन मूवी में भी दिखाया जा रहा था, और उन लोगों की आंखों के सामने किलर उसे भी मार डालता है। तब उसकी चीख की आवाज सुनकर ब्रिजेट की फ्रेंड वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे फ्लोर पर खून पड़ा हुआ नजर आता है। फिर मूवी में हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रिजेट की फ्रेंड अकेली ही खड़ी हुई थी। ये देखकर वो सारे लोग काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन काउंटर पर तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सब वॉशरूम जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भी फ्लोर पर खून पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और अब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और तभी डिटेक्टिव को मूवी हॉल में से ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी मिल जाता है। ब्रिजेट अपने भाई टिमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर टिमी कहता है कि मैं तो रूम की विंडो से अंदर आया हूँ। डिटेक्टिव जो कि बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, उनसे दरवाजा नहीं टूटता। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इनकी मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तब ब्रिजेट उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी डोर है। तब वो लोग उस इमरजेंसी डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी लॉक था, वो भी उनसे नहीं खुलता, और अब वो सारे लोग और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब तो वो लोग यहाँ पर फंस गए थे। जहाँ पर डिटेक्टिव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने अपनी जान बचानी है तो हमें साथ में रहना होगा, और वो उन लोगों को 5 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में भी बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एक रेड नामी पेशेंट था जो पिछले कई सालों से एक सीरियल किलर वाली मूवी ही देख रहा था, जहाँ वो इस सीरियल किलर वाली स्लैशर मूवी को देख कर अपना हाथ ही दांतों से काट लेता है। फिर वो अपने ही खून से फ्लोर पर कुछ लिखता है और वहाँ से गायब भी हो जाता है, और सुबह को उस हॉस्पिटल में सिवाय खून की
और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में रेड सीरियल किलर बन चुका था, जो कि एक साइको सीरियल किलर था, जिसने हॉस्पिटल के सारे लोगों को मार दिया और फिर वहाँ से भाग गया। फिर जब वो सारे लोग सीरियल किलर के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तब ब्रिजिट का भाई टिमी हॉल में चला जाता है, जिसे वो किलर देख लेता है, जो टिमी को मारता नहीं बल्कि उसको लाकर सब लोगों के सामने फेंक देता है और खुद भी सबके सामने आ जाता है। फिर दूसरा डिटेक्टिव उस किलर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रेड जो कि अब पागल हो चुका था, पूरी तरह सीरियल किलर बन चुका था, इसीलिए वो उस डिटेक्टिव का गला ही काट देता है। ये देखकर डिटेक्टिव उसे शूट करता है, तब वो जाकर हॉल में गिर जाता है और अब मूवी में वो उस डिटेक्टिव की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वो सारे लोग एक रूम की तरफ भाग रहे थे और वो उसी विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से ब्रिजिट का भाई टिमी अंदर आया था, लेकिन तभी वो विंडो जोश की फ्रेंड के हाथ पर गिर जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सीरियल किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव सीरियल किलर को शूट करता है, लेकिन डिटेक्टिव की एक भी गोली का उस किलर पर जरा भी असर नहीं होता। और मुसीबत की बात तो ये थी कि उस डिटेक्टिव की बुलेट्स भी खत्म हो गई थी। ये सब कुछ देखकर जोश का फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो किलर डिटेक्टिव के पेट को काटते हुए चीरते हुए जोश की फ्रेंड को भी मार देता है। फिर मूवी में वो जोश की फ्रेंड की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था, जहाँ पर मूवी में हमें वही वाली लेडी दिखाई जाती है जिसने उस लड़के के लिए दरवाजा खोला था, और ये लेडी किलर की मदर थी और वो भी सीरियल किलर रेड की तरह साइको ही थी। वो रेड को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अपने साथ एक और फ्रेंड को ले आए। फिर वो सारे लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किलर को कैसे रोका जाए, उसे कैसे मारा जाए, जिस पर ब्रिजिट कहती है कि अगर हम किलर को रोकना चाहते हैं तो पहले हमें मूवी को स्टॉप करना पड़ेगा। फिर जब वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, तब उसका दरवाजा उन्हें बंद मिलता है। फिर वो प्रोजेक्टर विंडो के जरिए अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर विंडो का रास्ता काफी छोटा था, इसीलिए वो टिमी को अंदर भेजते हैं। और जब टिमी आगे बढ़ रहा होता है, तो वो किलर उसे देख लेता है, लेकिन तभी जोश वहाँ पर आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और टिमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम में पहुँच जाता है और दूसरी तरफ किलर जोश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। टिमी प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोजेक्टर बंद नहीं होता, वो ऑन ही रहता है। फिर उन लोगों को अंदर बुलाने के लिए टिमी दरवाजा खोल देता है और उस कपल में जो आदमी होता है वो उस प्रोजेक्टर को गिरा देता है। तब जोश किलर से बच जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कपल वाला आदमी मूवी का रील उठाकर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर अभी मरा नहीं है बल्कि वो तो अभी जिंदा है, और वो प्रोजेक्टर एक बार फिर से अपने आप से ही ऑन हो जाता है। और अब वो किलर उस कपल वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है और वो उसे भी बहुत बुरी मौत देता है। फिर सारे सर्वाइवर्स हॉल में चले जाते हैं और मूवी में वो किलर और उसकी मदर साथ साथ होते हैं। किलर अपनी मदर से पूछता है कि क्या मूवी के बाहर मुझसे कोई डर रहा है। ये सुनकर किलर की मदर विंडो से बाहर देखती है, जो बताती है कि बाहर एक लड़की है लेकिन वो अभी डरी हुई नहीं है। ये देखकर जोश को सारी बात समझ आ जाती है, वो सबको बताता है कि किलर हमारी डर को फील कर सकता है। तब किलर ब्रिजिट की एक और फ्रेंड को मार देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर ब्रिजिट को काफी दुख होता है। जोश का फ्रेंड तो ये देखकर डर जाता है और वो हॉल से बाहर चला जाता है। फिर किलर जब देखता है कि टिमी अकेला है, तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी टिमी वहाँ से भाग जाता है और जोश के फ्रेंड से टकरा जाता है। और अब किलर जोश के फ्रेंड को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो किलर अपने उसी टूल को इलेक्ट्रिसिटी में लगा देता है, जहाँ पर उन दोनों को बहुत जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जिससे जोश का फ्रेंड बुरी तरह करंट लगने से जल कर मर जाता है। लेकिन किलर को इस करंट से कुछ भी नहीं होता। जोश को काफी गुस्सा आ जाता है और वो किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए जोश वापस रूम में आ जाता है और जो कुछ वो वहाँ पर देखता है उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उस किलर ने ब्रिजिट को प्रिजनर बनाया हुआ था और वो बस उसे मारने ही वाला था। फिर वो किलर अपना टूल जोश की तरफ फेंकता है और उसकी आँख फोड़ देता है। ये देख कर ब्रिजिट बहुत ज्यादा डर जाती है, वो भाग कर एक रूम में आ जाती है और खुद को वहाँ पर लॉक कर लेती है, और जोश की ऐसी हालत देख कर काफी रोती है। और अब किलर टिमी के पीछे पड़ गया था, उसे हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन टिमी तो हॉल में छुपा हुआ था। और इतनी ही देर में वहाँ पर ब्रिजिट भी आ जाती है, जो अपने भाई टिमी को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारा वीक पॉइंट है, और अगर हम उस किलर से नहीं डरेंगे, यानी हम अपने डर पर कंट्रोल रख लेंगे, तो वो किलर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वो दोनों सिबलिंग्स अपनी आंखें बंद करके वही हॉल में ही बैठ जाते हैं, और अब मूवी में वो सारा हॉल नजर आता है, वो सिबलिंग्स भी नजर आते हैं, जहाँ पर किलर उन्हें देख लेता है और वहाँ पर आकर उन्हें डराने की
काफी कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों ने तो अब क्योंकि अपनी आंखें बंद की हुई थी इसीलिए वो नहीं डरते। ये देख कर वो किलर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, ब्रिजिट डर कर अपनी आंखें खोलती है। तब किलर को इस बारे में पता चलता है और वो ब्रिजिट को अपने साथ अपनी मूवी में ले जाता है। ब्रिजिट खुद को एक रूम में बंद पाती है जहाँ पर वो किलर अपने उस औजार की धार को तेज कर रहा था। फिर किसी तरह ब्रिजिट उस रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एक रूम में बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया है और वो सारे लोग इंजर्ड थे और कुछ तो उनमें मर भी चुके थे और ये सब कुछ उस किलर का ही काम था। वहीं पर ब्रिजिट को जोश भी दिखाई देता है जो कि अभी जिंदा था, इसीलिए वो उसके पास जाती है। लेकिन तभी उस किलर की मदर वहाँ पर आकर ब्रिजिट को बेहोश कर देती है। फिर ब्रिजिट को जब होश आती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके साथ उसके भाई को भी बांधा गया है। तब किलर ब्रिजिट के पास आकर उसे पहले तो डराता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर वो उसके एक पैर के नेल्स उखेड़ने लग जाता है जिससे वो दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तब एक एक करके किलर उसके पैर के सारे नेल्स उखेड़ देता है और फिर किलर जब उसके दूसरे पैर के नेल्स उखेड़ता है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती, बल्कि वो इस पेन को भी बेयर करती है और अपने डर पर भी काबू रखती है। ये देखकर किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ना तो ये मुझसे डर रही है और ना ही दर्द की वजह से चिल्ला रही है, इसीलिए किलर उसे नीचे फेंक देता है। इसी दौरान ब्रिजिट के हाथ में एक नोकदार चीज लग जाती है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस किलर को स्टैब कर देती है। फिर वो टीमी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही किलर की मदर ब्रिजिट को पकड़ लेती है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से टीमी उस लेडी पर अटैक करके उसे मार डालता है। फिर वो सिबलिंग्स घर से बाहर आकर भागने लगते हैं, लेकिन किलर ने तो अभी भी उनकी जान नहीं छोड़ी थी और वो उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते टीमी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तब ब्रिजिट अपने भाई को उठाती है और जोर से चिल्लाती है क्योंकि किलर की मूवी का अब भी एंड हो गया था और यहाँ पर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बाहर की तरफ फेंकती है और इस तरह से टीमी की जान बच जाती है क्योंकि वो मूवी से निकल कर उस मूवी हॉल में आ गया था और यहाँ पर वो वाली मूवी खत्म हो जाती है।